हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो हम बात कर रहे थे होल नंबर्स के, राइट? सो अब देखते हैं हम होल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। राइट थ्री नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999। इसके बाद के आपको तीन नेचुरल नंबर्स लिखने। तो जब आपको नेक्स्ट वर्ड आ गया ना, तो उसका मतलब आपको एक एक नंबर और बढ़ते जाना है, आगे ऐड करते जाना। तो सिंपल सी चीज है, 10999, इसमें हमने ऐड कर दिया 1, राइट? सो 9 प्लस 1 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी 10, 11,000, राइट? नेक्स्ट नंबर चाहिए, एक और तीन चाहिए ना, अभी तो एक ही आया। सिंपल सा है, 100, अगेन फिर से एक और 1 ऐड कर दो, तीन नंबर चाहिए हमें, फर्स्ट सेकंड एक और चाहिए, सो दैट इज 2, राइट? ये तीन नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स हो गए। तो अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आपके पास, राइट? थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर, बिफोर है तो आपको माइनस वन करना है, पिछले वाले में नेक्स्ट था तो प्लस वन किया, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे आपका, 1-1 0 एंड द रेस्ट डिजिट्स विल रिमेन एज इट इज। तो आपके पास आ गया 10,000। फिर से तीन नंबर चाहिए ना हमें, 3 माइनस किया। अच्छा देखिए, अब बात आई जीरो में से 1 माइनस नहीं करोगे आप, तो आप क्या करोगे, कैरी करोगे। यहां से हम कैरी करना स्टार्ट करेंगे, ये रह जाएगा आपका 9, यहां आया 10, अगेन ये बन गया 9, यहां आ गया 10, अगेन ये बन गया 9, और यहां पे 10 आ गया। सो 10-1 9 और बाकी 9 एज इट इज आ जाएंगे, राइट? अगेन एक और माइनस करना है हमने, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 9-1 8 और ये एज इट इज। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस वन किया था, इसमें हमने माइनस वन किया था, कर तो वही चीज रहे थे, तो यहां होल नंबर्स और वहां नेचुरल नंबर्स क्यों, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो के बाद अगर मैं बात करूं होल नंबर्स की, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स हैं आपके। बस उन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो एक पहले ऐड कर दोगे, लिख दोगे, तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। सो नथिंग टू बी गेटिंग कन्फ्यूज, सब कुछ सिंपल है। हर नंबर को आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, होल नंबर भी कह सकते हो, एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि वो सिर्फ होल नंबर है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद अप्रोप्रिएट साइन। ये ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है, राइट? अच्छा जी, अब यहां पे एक वर्ड आया है नंबर लाइन, वो क्या होता है, छोटी सी इंट्रोडक्शन। स्केल, हमारा स्केल होता है 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, 4, 5 ऐसे ही होता है, उसके बीच में और भी होते हैं लाइनें पड़ी हुई, उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, अब आप देख सकते हैं क्लियरली, लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। तो आप देखिए, राइट साइड पे जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे जो नंबर हैं वो छोटे हैं, छोटे हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, 3, 2, 1, 0 खत्म हो गया, यहाँ 3, 4, 5 बढ़ रहा है, राइट? तो मतलब लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं आपके, छोटे नंबर, और राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, बड़े नंबर। तो इनमें से आपको पूछ रहे हैं, जो ये पेयर्स गिवन है, कौन सा नंबर लेफ्ट पे होगा, कौन सा नंबर राइट पे होगा, राइट? पहले तो इन दोनों में से देख लीजिए, छोटा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा है। प्लेसेस की बात करें, इनमें कंपेयर करते हैं प्लेसेस से, 100th प्लेस ये है, 100th प्लेस ये है आपकी, 5, 5 या दोनों पे सेम है, अगली प्लेस पे चलते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो कौन बड़ा है दोनों में से, 3 बड़ा है ना, ऑब्वियसली 0 छोटा है, तो 5, 0, 3 आपका कहाँ होगा, लेफ्ट में, राइट? अब बात करनी है हमें इन साइंस की, इधर हमारे पास 530 लिखा है, इधर 503, बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ इस साइन का मुंह ओपन आएगा, ओपन एंडेड, राइट? छोटा होता तो क्लोज एंडेड आता। अब बात करते हैं इनकी 370 और 307 की, अगेन फर्स्ट प्लेस सेम है, नेक्स्ट प्लेस की बात करें अगर, तो यहां आपके पास 7 है, यहां आपके पास 0 है, तो छोटा कौन सा है, 307, सो 307 कहां रहेगा आपका, अगेन लेफ्ट में। फिर से ये नंबर बड़ा है तो इसकी तरफ फेस ऐसे आएगा, राइट? नेक्स्ट की बात करते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9, पहले तो डिजिट्स काउंट कीजिए, बराबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सेम है जी। तो पहली, अब सब यहां से
इसी प्लेस से हम स्टार्ट करते हैं, या 9 है वहाँ 5 है, यही क्लियर हो गया, 5 है छोटा है, राइट। तो ये आपका लेफ्ट में रहेगा, 5 6 7 8 9, ऑब्वियसली लेफ्ट पे है, छोटा है तो ये ग्रेटर है, फिर से ग्रेटर का सिंबल आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए इसमें फिर से आपने डिजिट, जब बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं तो पहले डिजिट्स काउंट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ कंपेयर नहीं करना, वहीं पता लग गया यहाँ पे 7 है वहाँ 8 है, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा हुआ, राइट। तो ये छोटा है। अब 9 8 3 0 4 1 5 आपका कहाँ रहेगा, लेफ्ट में, राइट। तो ग्रेटर कौन सा, ये लेफ्ट पे है छोटा है तो ग्रेटर वो है। अब देखिए दूसरा साइन यूज हो गया, ये छोटा है इसकी तरफ इसका मुंह बंद रहेगा, राइट, उधर की साइड खुला रहेगा। देखिए जी क्वेश्चन है, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप होल लिख दो चाहे नेचुरल लिख दो, क्योंकि आप तो स्टार्ट 32 से कर रहे हो, इसके बीच में जो नंबर आएंगे उनको आप होल भी कह सकते हो नेचुरल भी कह सकते हो, राइट। So, अब देखना इनके बीच में कितने नंबर हैं, दो तरीके हैं, जनरली काउंट कर लो 32 के बाद 33 34 35 36, ऐसे काउंट कर सकते हो, एक मैं आपको डायरेक्ट तरीका सिखाता हूँ। क्या करना है, एक्सट्रीम जो वैल्यूज है जिनके बीच में आपको नंबर चाहिए उनको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 कर दो, एक नंबर कम कर दो, ये आएगा अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो 21, उसमें से 1 माइनस करोगे आपके नंबर आ जाएंगे 20, काउंट करके देख लेना सेम नंबर्स होंगे, राइट। तो इनके बीच में कितना है, 20 होल नंबर्स। अब होल नंबर्स, जैसा कि आपको याद होगा द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। उतना ही नहीं है सिर्फ, तो क्या 0 से स्टार्ट एक्सरसाइज खत्म, जी नहीं, आगे अब एक्सरसाइज है जिसमें हम बात करेंगे दो प्रॉपर्टीज की, फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव, वो हम इसके बाद बात करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, ये सिर्फ आप यहां से देखिए जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, बांटना, राइट। अब ये देखिए एक एग्जांपल, अब पहले जनरली आपको बता देता हूं, ये है मेरे पास a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब ये क्या चीज है, एक जनरल सी लैंग्वेज में बात करेंगे आपकी और मेरी वाली में, पापा आए मिठाई लाए रैपर के साथ, ये है वो मिठाई, ये है वो रैपर, राइट। घर में आए, एक भाई है एक बहन है, अब अगर सिर्फ भाई को देंगे तो बहन लड़ेगी, बहन को देंगे तो भाई लड़ेगा, तो पापा क्या करेंगे, ये दोनों को देंगे, प्यार तो बना के रखना है बच्चों के साथ। तो देखिए जी, पहले गए पापा मिठाई लेके बहन के पास, और उसके बाद भाई भी बैठा था तो भाई को भी दे दी, राइट। बस इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब क्या है इस चीज का, इसको करने के तरीके होते हैं मल्टीप्लिकेशन, अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो आपका काम इजी हो जाएगा, है मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास है 12 into 35, इसको मैं डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लाइक 12 को 35 से, 35 2 70, 0 7 कैरी, 35 1 35 प्लस 7 42, 420 आ गया। अब मुझे तो आता था 35 का टेबल, मैंने पढ़ दिया, आप क्या करोगे पहले 5 से फिर 3 से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी कहती है आप 35 को दो टुकड़ों में बांट दो जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। देखिए बट गए 35 को लिखा हमने 30 प्लस 5, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऊपर वाली, तो इसमें क्या करना है, पहले ये 12 जाएगा 30 के साथ, फिर ये 12 जाएगा 5 के साथ, ऐसे, सॉरी दैट इज 12, सो ये जाएगा 5 के साथ आपका। अच्छा जी, अब देखो 30 से मल्टीप्लाई करना इजी है क्योंकि वहां पे जीरो है। हमारा ना डिस्ट्रीब्यूटिव में एक मोटिव रहता है कि हम जितना हो सके उतनी जीरोस प्रोड्यूस करें, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाती है। 12 3 36, एक जीरो लग गई, 12 5 60, 30 360 प्लस 60 हो गया आपका 420, देखिए आंसर इज सेम, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बट जब जनरली क्वेश्चंस में लिखा होगा यूजिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तब आपको प्रॉपर्टी यूज करने ही पड़ेगी, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और करनी कैसे है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव फाइंड करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रही है आपको कि नहीं। अब देखिए जी 297 यहां भी है, 297 यहां भी है, राइट, ये दोनों सेम सेम है।
अच्छा ये पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ रैपर की बात की थी, मिठाई के, ये रहे वो रैपर, तो ये कुछ वही नहीं लग रहा डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। पापा आए मिठाई बांट दी, अब कहते हैं जी वो मिठाई खराब थी, पापा कह रहे वापस लेके जानी है बेटे, तो क्या करेंगे पापा? दोनों से वो मिठाई विद रैपर वापस ले लेंगे। अब दोनों भाई बहनों के पास कुछ नहीं रहा, हो गया, सॉल्व कर दीजिए अब आगे, बस उतना ही, अब दुकान तक नहीं जाना हमने। 17+3 हो गया 20, 0 साथ में कैरी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, 2 7s 14, 1 carry 18, 1 19, 1 carry 2 2s 4, +1 5, दैट इज योर आंसर, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी है, आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए कुछ दिख रहा है आपको ऐसा लिंकअप सा करने वाला, अभी कुछ भी नहीं है। यहां 3845 5782 है, या 769 25 और 218 है। हर बार पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिलेगी कि प्लेट में डाली खा ली, कुछ बनाना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, जाके चम्मच लेके आनी पड़ेगी। अब वो चम्मच वाला काम करते हैं। 5 है, यहाँ है 5 नहीं है, 25 है। बट अगर मैं बात करूँ 25 की, इसके फैक्टर्स होते हैं 5 times 5, राइट। तो चलो पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। 3845 times 5 times 782, ये है आपके पास। और अगर इधर बात करें, ये है 769 times 25 के फैक्टर्स बना रहे हैं हम। फैक्टर्स बना रहे हैं तो थोड़ा एक डिफरेंट कलर से कर देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, और जो एज इट इज़ हैं उनको एज इट इज़ लिखेंगे, लाइक 218, राइट। चलो जी, एक चीज़ तो आगे मेरे पास कॉमन लेने के लिए, 5, वही वो मिठाई विद रैपर। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ और भी मिल जाए। एक 5 ही चाहिए मुझे, ये वाला 5 तो चाहिए नहीं अभी बाहर कॉमन लेने के लिए। ऐसा करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 45 जैसा कुछ दिखा, वहाँ भी 9 5 अगर मैं करूँ तो 45 आएगा, राइट। तो क्या पता ये यही बन जाए, ट्राई करेंगे। 769 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो 5 9s 45, 5 6s 30, दैट इज 34, 5 7s 35 एंड 3 38। ओहो, ये तो बन गया सच्ची में, बड़ी मिठाई आ गई। 3845 times 5 times 782 प्लस, अब इसकी जगह भी हमारा नया नंबर बन गया, दैट इज 3845 times 5, ये पुराने वाला था, और लास्ट में जो है 218 एज इट इज। थोड़ी सी मेहनत करी हमने, 25 के फैक्टर बनाए, एक 5 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया 769 से, वही चीज बन गई। देखो अब इजी हो गया हमारा काम, अब हम इसको कंबाइनली बाहर निकाल सकते हैं, राइट। सो अंदर वाली चीजें छोटी रह जाएंगी। लेट्स मेक सम स्पेस हियर, कंफ्यूज मत होना, यहां पे कर रहा हूं मैं कि कहीं पिछले वाले क्वेश्चन से लिंक अप कर दो उसको, नहीं, इसको हम अलग कर देते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस इज हियर। ओके जी, अब देखिए 3845 times 5, ये कॉमन ले लिया हमने। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया, 782 प्लस 218। अब देखिए फायदा मिलेगा आपको, देखते हैं क्या फायदा मिलता है। 3845 times 5, इनको ऐड अप करिए कितना बनता है, 8+2 10, 8+1 9, प्लस 1 हो गया आपका 10 अगेन, 7+2 9 अगेन 10। देखिए हो गया काम इजी, 1000 आ गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई किसको करना है, इन दोनों को, वो 3 0 साथ में कैरी हो जाएंगी। देखिए जी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5s 25, 5 4s 20, 2 carry 22 अगेन 2, 5 8s 40 42, 4 5 3s 15, +4 19 और साथ में आपकी 3 0। हो गया काम आसान, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इससे, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, काफ़ी लंबा काम था। यहाँ थोड़ा सा सिंपल रहा उससे, क्योंकि लास्ट में हमें मल्टीप्लाई इतना नहीं करना पड़ा, एडिशन तो सिंपल है, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी है, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 liters ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, मंडे को 40 liters है, और द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 liters ऑफ पेट्रोल, मीन्स ऑन ट्यूजडे उसने 50 liters से
अपना टैंक फुल किया है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 44 पर लीटर, चलो पहले टोटल पेट्रोल निकाल लेते हैं कितना फिल किया। टोटल पेट्रोल, अब टोटल कितना है हमारे पास, 40 + 50 लीटर्स। 40 + 50 कितना हुआ आपका, 90 लीटर्स, राइट। अब आपको क्या करें, इफ द पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 44 पर लीटर, मींस पर मींस एक लीटर, वन लीटर पेट्रोल कॉस्ट इक्वल टू कितना है आपका, 44। सो अब आपको कितना चाहिए, 90। सो 90 लीटर्स पेट्रोल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, जितनी भी अमाउंट है उसको 90 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लीकेशन इज अगेन सिंपल, क्योंकि आपको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है, 0 साथ में कैरी हो जाएगी। 9 4 36 6 3 कैरी 9 4 36, सो इट विल बिकम 3960 रुपीज, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ क्वेश्चन, नाउ वी हैव अनदर प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमने पढ़ ली है, अब आई कॉम्यूटेटिव की। अब कॉम्यूटेटिव और इसके साथ एक वर्ड आप रिलेट करिएगा, दैट इज रीअरेंजमेंट, चीजों को रीअरेंज करना। अब वो क्या है, सपोज मेरे पास है 2 + 3, ये होती है दो चीजों में, याद रखना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में एंड मल्टीप्लीकेशन में, बस इन्हीं दोनों में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये होल्ड नहीं करेगी, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। अब क्या है, 2 + 3 कितना होता है आपका, 5, और अगर मैं 3 + 2 करूं तो क्या होगा, अगेन 5, आंसर एज इट इज रहेगा। से मल्टीप्लीकेशन में बात करें, 2 × 3 कितना होता है, 6, और 3 × 2 कितना होता है, अगेन 6। हुआ क्या, प्लेसेस बदली हमने, 3 को इधर कर दिया और 2 को उधर कर दिया, यही किया, बट आंसर सेम। इसी को कम्यूट करना कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और रीअरेंजमेंट मतलब आप नंबर्स की डिजिट्स की प्लेसेस बदल दोगे वो फिर भी आपको सेम रिजल्ट देंगे, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही है, याद रखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सिर्फ ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्यों रिजेक्ट किए थे, आपके पास अगर 3 - 2 है तो आपका आंसर 1 आएगा, बट अगर आप 2 - 3 करते हो, प्लेसेस चेंज करते हो, तो आपके पास आंसर -1 आ जाएगा, आगे ना आंसर डिफरेंट, बोथ आर नॉट इक्वल, सो इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करती है, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड होती है आपकी, कॉम्यूटेटिव। अब बात कर रहे हैं हम एडिशन में। अच्छा, अब करना क्या है, क्या फायदा है इसको इधर उधर करके, मतलब क्यों, क्या है, क्यों ये प्रॉपर्टी होल्ड क्यों हो रही है, रीजन बताता हूं आपको। अब सिर्फ वंस प्लेस की डिजिट्स देखनी है, उनमें सिर्फ वो डिजिट देखनी है जिनका सम आपको रिजल्ट दे लास्ट में 0 के, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, राइट। अब देखते हैं कौन से ऐसे नंबर है, 7 + 8 की बात करूं तो क्या होता है, 15, जी नहीं ये तो वैसे भी पढ़ा ही था। 8 + 3 बात करूं, 11, जी नहीं कोई फर्क नहीं है, पर अगर मैं 7 + 3 की बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, 10। सो हम क्या करेंगे, अब 837 के साथ 208 की जगह पहले क्या लिख देंगे, 363, और लास्ट में रहेगा आपका 208, वो नंबर भी लिखना है, बस उसकी प्लेस चेंज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड, 7 + 3 = 10, 1 कैरी, 6 + 3 = 9, अगेन 1 = 10, 1 कैरी, 8 + 3 हो गया आपका 11, +1 हो गया 12, और लास्ट में हमारे पास 208, जीरोस बनी, इजी हो गया। अब ऐड करेंगे, पहली दो प्लेसेस एज इट इज आएंगी जो भी न्यू है, और 2 + 2 हो गया आपका 4, 1408, बस ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप सिंपल भी ऐड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया, बट क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट से ही करना है, तब आप करोगे उसको, राइट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है ऐसे, देखिए जी कैसे करेंगे, फिर से फंडा वही है, ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 0 बन जाए। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला तो सिंपल ही है, किसी को भी करोगे तब भी 0 ही आएगा, बट 2 5s भी 10 होता है,
मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा अगर मैं 50 को पहले लिख दूं तो, और लास्ट में 1768 है, 2 5s are 10, एक जीरो है वो साथ में कैरी हो जाएगी और ये आ गया 1768. सो आंसर इज प्रिटी सिंपल, 1768 और साथ में दो जीरोस. अगर मैं ये रीअरेंजमेंट ना करता तो क्या करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई करता इसको, या अगर 2 रहने देते तो फिर 5 से करना पड़ता. अब मैंने किससे किया, सिर्फ 1 से, वो सेम आ गया, जीरो साथ में कैरी होगी, राइट. ये वाला करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. 4 5s are 20, राइट. यहां थोड़ा अलग हो रहा है क्योंकि वहां तो 2 times 0 is 0, सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये 25 को पहले लिख देते हैं और 166 लास्ट में चले जाएगा. 25 4s are होता है आपका 100, डायरेक्ट आपके पास दो जीरोस आ गई, 166. सो आंसर विल बी 16600. सो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो. अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 plus 0. 1 plus 0 क्या देगा आपको, 1 not 0. 1 में आप 0 ऐड कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं ऐड कर रहे, तो वो 1 एज इट इज रहेगा, राइट. सेकंड की बात करें अगर हम, तो 0 times 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 0, राइट. सी थर्ड पार्ट, 10 minus 10 विल गिव यू 0 एंड 0 by 2 विल गिव यू 0. अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल और एड ऑन कर देता हूं जिससे जो मैं समझाना चाहता हूं आपको वो चीज क्लियर हो जाए. 5 multiplied by 0 विल गिव यू नॉट 5 0, राइट. अब इसका मतलब क्या था, क्यों लिखा मैंने एग्जाम्पल, जीरो की प्रॉपर्टी है, जीरो को अगर आप किसी नंबर में एड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. उसके अलावा अगर आप जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या किसी जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो उन दो केसेस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो. मींस जीरो अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो हो जाएगा, जीरो को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो वो भी जीरो हो जाएगा. ये प्रॉपर्टीज हैं जीरो की. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, कोई भी होल नंबर्स है दो उनका प्रोडक्ट कहते हैं अगर जीरो है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई थ्रू एन एग्जांपल. अच्छा जी, सपोज मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं, उनके प्रोडक्ट की बात हो रही है यहां पे और उनका प्रोडक्ट कहते हैं जीरो है, तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो. क्या एक जीरो होना चाहिए उसमें से या दोनों जीरो होने चाहिए, ये बात कर रहे हैं. सपोज हम एक होल नंबर ले लेते हैं, कोई 3 ले लिया हमने, इसके साथ एक जीरो मल्टीप्लाई करते हैं. अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो, करेक्ट. ओके जी, अब अगर हम बात करते हैं कि एक तो जीरो है, अगर दूसरा नंबर भी जीरो रखें तब उस केस में क्या आ रहा है, तब भी जीरो आ रहा है, राइट. अच्छा जी, होगी, मतलब हमने यहां तक बात कर ली, तो यस, या तो उनमें से एक जीरो कर दो या तो दोनों जीरो कर दो, आंसर आपका जीरो रहेगा. अब बात कर रहे हैं क्या ये जरूरी है, लेट अस ट्राई, कोई और नंबर ले लेता हूं मैं एक्सेप्ट जीरो, एक या दोनों जीरो नहीं, कोई और लाइक 3 और 2, क्या इस केस में भी आंसर जीरो आएगा, 3 times 2 is 6 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट. तो मतलब जीरो होने के लिए अब आप जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे, यस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बी जीरो, वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, या तो दोनों जीरो हो या तो एक जीरो, एक तो एटलीस्ट होनी चाहिए, राइट. सो नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1. अब बात आई कि अगर दो होल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 1 है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एन एग्जाम्पल. चलो बात करते हैं कि एक अगर हम 1 रखते हैं, दूसरा नंबर कुछ और रख लेते हैं 1 के अलावा, सपोज 2 रखा, तो 2 times 1 कितना होता है, आई थिंक ये तो होता नहीं है, है ना, क्या होता है 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, 2 times 1 is 2. तो इसका मतलब एक केस रह गया, एक वाले में नहीं हो रहा, अगर एक 1 रखोगे आप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब दोनों के दोनों 1 होने चाहिए, सिर्फ तभी 1 होगा, राइट.
सो इसने इस ये जस्टिफिकेशन के लिए आपकी ये एग्जाम्पल रही. क्लियर? सो ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारी ये छोटी सी वीडियो कंप्लीट हुई. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे.